हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर इलेक्ट्रॉन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक पुरानी BLDC मोटर को, जो कि फोटोकॉपी मशीन में मिलती है, उसे एक जनरेटर बना सकते हैं। और सिर्फ कोई नॉर्मल जनरेटर नहीं, बल्कि एक सिंगल फेज़ AC जनरेटर। ये जो आप देख रहे हैं, ये BLDC का मोटर कंट्रोलर है, जिससे कि मैं ये मोटर चला के दिखाऊंगा जो कि वर्किंग कंडीशन में है। इसको ख़रीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी स्पीड पर चल रहा है, और हालांकि मैंने इसे 12 वोल्ट ही कनेक्ट किया है, ये 24 वोल्ट पर रेटेड है। ऑल्दो थोड़ा रस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में है। तो चलिए पहले इसकी जनरेटिंग कैपेबिलिटी चेक कर लेते हैं हर एक फेज़ में वायर लगा के। अब क्योंकि ये AC बनाएगा, तो 200 वोल्ट AC की तरफ पॉइंटिंग कर दिया है, तो किसी भी दो वायर में तीन में से वायर कनेक्ट कर देंगे और तीसरा वायर ओपन रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको घुमा कर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिजली बना रहा है, जिसका मतलब इसके जनरेशन वर्क कर रहा है। तीसरा फेज़ खाली है। तो अब प्लान ये है कि इसके अंदर की जो वाइंडिंग है वो सब 3 फेज़ के हिसाब से है, जिसको अंदर से खोल के मॉडिफाई करके सीरीज़ में कर देंगे, जिससे कि वोल्टेज ऐड अप होके सीरीज़ में आ जाए और ज़्यादा वोल्टेज उतने ही RPM पे मिले, जो कि अभी तक तो किसी वीडियो में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसको पूरे तरीके से ओपन कर लेते हैं हैमर करके। तो आप देख सकते हैं ये हैमर हो चुका है, और अंदर ये मैग्नेट, और ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग एकदम नई जैसी लग रही है, क्योंकि ये सारा टाइम मैग्नेट रोटर से हिडन रहती है। तो इसके तीनों वायर्स रिमूव कर लेते हैं। ये क्लोज़अप है, ये तीन वायर्स हैं। इसको और ओपन कर लेते हैं। चलिए, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा गंदा था, उसको सफाई कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे की साइड पे 4 वायर्स हैं, जिसमें से एक जो मोटा वाला है वो टैपिंग पॉइंट है, और बाकी के 3 3-फेज़ वायर्स हैं। तो टैपिंग पॉइंट को खोल लेते हैं ताकि वाइंडिंग्स को सेपरेट कर दिया जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये खुल चुका है। अब इसके बाद जो टैपिंग से 3 वायर्स निकले हैं, ये बाकी कौन से 3 फेजेस के हैं उसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। तो दोनों टर्मिनल्स जो कि मीटर से निकल रहे हैं, उससे इसके आर्मेचर के वायर्स को टच करा करा के देखना पड़ेगा कि कौन सा वायर किसके साथ कॉइल में है। ये वाला मिल गया, इसके बाद दूसरा ये हुआ, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी मिल गया। और जो लास्ट बचा वो तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग बचा है उसी के साथ होगा। अब पोल टेस्टिंग के बाद ये पता चल चुका है कि वायरिंग को कैसे जोड़ें कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिले। तो बस उसी के अकॉर्डिंगली सारे वायर्स को आपस में जोड़ देंगे, 2 वायर्स को छोड़ के, जिससे फाइनल आउटपुट AC सिंगल फेज़ निकलेगा। पोल टेस्टिंग इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर मैं इसमें दिखाता तो भी वो हिट एंड ट्राई वाला मेथड है, तो सही से समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वायर्स को साथ में ज्वाइन कर दिया है। अब उसके अलावा जो फाइनल 2 बचे हैं वो ही आपके आउटपुट हैं। तो चलिए पहले इन दोनों को सोल्डर कर देते हैं प्रॉपर्ली।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी सोल्डरिंग पूरी हो चुकी है, तो अब इस पूरे आर्मेचर को वापस जैसा था वैसे ही फिट कर देते हैं। और अब इसके पास सिर्फ दो ही वायर्स रहेंगे और अब ये मोटर नहीं रहा, अब ये सिर्फ जनरेटर की तरह यूज़ किया जा सकता है। और सिर्फ दो वायर्स का मतलब है सिंगल फेज एसी। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वापस प्लेस बैक हो चुका है। अब मैग्नेट प्लेस कर देते हैं। अब मैग्नेट को प्लेस करने में बियरिंग्स लूज हो जाती हैं, तो उनको वापस लाइन में लाने के लिए हैमर करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे कि जो नीचे आर्मेचर पे वाइंडिंग है उसको कुछ ना हो जाए। इसको वापस प्लेस कर देंगे तो ये आ चुकी हैं वापस नॉर्मल और ये बढ़िया तरीके से एकदम चल रहा है। और ये फिर से लूज़ हो गया, तो इसको और हैमर करना है। तो इस बार मेटल के हॉलो सिलेंडर का यूज़ करके करेंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। तो ये आप परफेक्टली जनरेटर आपका बन चुका है, तो इसको वाइस में कनेक्ट करके फाइनली जनरेशन का टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर को पॉइंट करेंगे एसी सिंगल फेज 200 वोल्ट्स के मोड में। दो ही वायर हैं तो पूरा पावर इसका यूटिलाइज किया जा सकता है, जो कि थ्री फेज मोटर्स और जनरेटर्स के साथ पॉसिबल नहीं है। सिंपल हैंड रोटेशन से आप देख सकते हैं 2.5 से 3 वोल्ट मिल रहा है। 3.5 वोल्ट तक गया है, 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट हैंड रोटेशन से मैक्सिमम निकल पाया है। अब इसको रिमूव करके कोई लोड, एक्चुअल लोड कनेक्ट करते हैं। और उससे पहले प्रॉपर मूवमेंट के लिए एक ड्रिल चक कनेक्ट कर लेते हैं ताकि इस पर रोप टेस्टिंग कर सकें। तो ये रोप टेस्ट होने जा रहा है। अब आप स्क्रीन देखिएगा, आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही आसानी से 24 वोल्ट निकाल दिया एसी। मैंने इसकी स्पीड को स्लोमो में लिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी देर तक चल रहा है और बहुत ही स्मूथ बेयरिंग्स हैं इसकी अभी भी। काफ़ी साल पुराना है ये, कुछ नहीं तो ये 20 साल पुराना होगा। एक बार फिर से, और इस बार इसने 28.8 लगभग 29 वोल्ट निकाल दिया एसी। काफ़ी छोटा मोटर है ये, जिसके हिसाब से इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। अब इसमें कोई एक्चुअल लोड, ये गाड़ी का बल्ब है, जनरली इंडिकेटर्स पे यूज़ होता है और ये 3 एम्पियर पे चलता है, 12 वोल्ट 3 एम्पियर करीब 36 वॉट का होता है ये। तो चलिए सबसे पहले इस पर टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा बल्ब जल चुका है और हमारा ये सिंगल फेज जनरेटर अच्छा खासा बढ़िया काम कर रहा है। एक बार फिर से करते हैं तो ये जल गया। अब क्योंकि ये ब्रशलेस है तो ब्रशलेस ख़राब होने की कोई दिक्कत ही नहीं। इसको विंड टर्बाइन, बाइसिकल जनरेटर या किसी भी और तरीके के जनरेशन प्रोजेक्ट्स में काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बियरिंग्स भी डिटैचबल हैं। तो ये है हमारा UPS ट्रांसफॉर्मर 12 वोल्ट से 220 वोल्ट, जिसको कनेक्ट कर देंगे जनरेटर के सिंगल फेज AC के दोनों टर्मिनल से। और आउटपुट पे हमें हाई वोल्टेज 220 वोल्ट AC मिल सकती है डायरेक्टली, जो कि हरे और काले वायर पे फाइनली अपीयर होगी। तो वो दोनों वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। तो चलिए जो हरा और ब्लैक वायर है जिस पे हाई वोल्टेज आने वाला है उसमें मल्टीमीटर को कनेक्ट कर देते हैं ताकि रीडिंग ले सके। अब वोल्टेज हाई निकलेगा क्योंकि ये स्टेप अप साइड पे मैंने मीटर लगा दिया है। इस मेथड के थ्रू हम इजीली 220 वोल्ट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हैंड रोटेशन वोल्टेज से आसानी से 34 वोल्ट और ऐसे निकल रहा है, 42 तक पहुंच चुका है हैंड रोटेशन वोल्टेज, जो कि काफ़ी अच्छा है। पीछे से घुमाने पर भी ऑलमोस्ट सेम ही इफ़ेक्ट है, कुछ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। तो
तो चलिए फिर फाइनली रोब रोटेशन टेस्ट कर लेते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि इससे वोल्टेज कहीं ज़्यादा अच्छा निकलेगा। ओह, आप देख सकते हैं कि जो मीटर की रीडिंग है वो 200 पे मेजर करने के लिए लगी है और जनरेटर के आउटपुट का वोल्टेज 200 पार जा चुका है, जिसके लिए मीटर को मैंने 750 वोल्ट के मोड पर पॉइंट कर दिया है। अब देखिएगा, अब मीटर मेजर कर पा रहा है क्योंकि हमारा जनरेटेड वोल्टेज 258 है और रीडिंग की वैल्यू 750 वोल्ट की कैपेबिलिटी है। तो ये अच्छा खासा वोल्टेज बना रहा है हमारा जनरेटर ट्रांसफार्मर के थ्रू। इससे 220 या 200 के ऊपर वाले एसी के घर के लोड्स अच्छे खासे चल सकते हैं। आपका एलईडी बल्ब है, आपका हैलोजन है, ये सब चल जाएगा। अब क्योंकि ये जनरेटर काफ़ी छोटा है तो पावर रेटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर यही जनरेटर काफ़ी बड़े साइज़ में होता तो ऑब्वियसली करंट भी ज़्यादा होता और ट्रांसफार्मर का आउटपुट पर भी ज़्यादा आता। तो चलिए कुछ एक्चुअल लोड कनेक्ट कर लेते हैं। ये है 9 वॉट का एलईडी बल्ब। तो चलिए इसको सॉकेट में कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना जल रहा है और फ्लक्चुएट कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से जल चुका है। एक बार फिर से, वाह। अब आ जाते हैं 200 वॉट की 220 वोल्ट्स वाली हैलोजन एलईडी पैनल पर। इसको जलाकर देखते हैं कि ये चला पा रहा है कि नहीं। एलईडी पैनल्स की खास बात यह है कि अगर इनको पावर कम भी मिल रही हो तो ये लो इल्यूमिनेंस पे जल जाती हैं। आप देख सकते हैं कि इसने जला दिया है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है हमारा जनरेटर। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे चैनल से और नए टेस्ट से परमानेंटली जुड़े रहें। ये हमारा फाइनल 220 वोल्ट का अडैप्टर है जो कि वेरिएबल आउटपुट निकालता है 9 वोल्ट से 24 वोल्ट डीसी और इनपुट लेता है 100 से 240 वोल्ट्स। एक लैपटॉप के चार्जर की तरीके से है। तो एक फाइनल टेस्ट इसको कनेक्ट करके भी कर लेते हैं कि ये बिजली बना रहा है कि नहीं। इसको फुल मोड पे कर रखा है, 24 वोल्ट पे निकालता है ये मैक्सिमम आउटपुट। तो आप देख सकते हैं ये बढ़िया काम कर रहा है और इसने आउटपुट 24 वोल्ट्स ऑलमोस्ट निकाल ही दिया। और क्योंकि जो है ये ज़्यादा देर तक चला नहीं हमारा जनरेटर, इसलिए वो फ़ौरन बुझ भी गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द प्रोफेसर में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस डीसी मोटर के ऊपर जो कि मैंने कबाड़ मार्केट से पाया है। इसकी रेटिंग है 12 वोल्ट और करीब करीब ये 64 एम्पियर पे चलता है। और क्योंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं ये एक 3 वोल्ट की बैटरी का सेटअप है, पैक है, जिससे मैं इस मोटर को चलाऊंगा, जबकि ये मोटर 12 वोल्ट का है और बैटरी सिर्फ 3 वोल्ट की, सारी सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं कि मोटर चल चुका है, आरपीएम कम है, सही बात है क्योंकि वोल्टेज कम जा रहा है, पर हाँ ये चलेगा। मोटर बहुत ही स्मूथ चलता है और ये बुशेस पर है, बेयरिंग्स पर नहीं है। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको ये मोटर खोल के दिखाऊंगा कि ये कैसा काम कर रहा है। तो इससे पहले आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे कह दूंगा कि मैंने ये चैनल नया शुरू किया है और मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊंगा सारी की सारी और ऑलमोस्ट डेली डालूंगा। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए होगी कि आप लोग, जितने भी लोग इन वीडियोस को, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियोस आप मिस ना करें, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर दिखाने की कोशिश करूँगा हिंदी में। और इंग्लिश के लिए मेरा दूसरा चैनल जो मिस्टर इलेक्ट्रॉन के नाम से है वो तो है ही, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, चाहे तो उसे इंग्लिश में देख सकते हैं।
अब चलिए आरपीएम टेस्टिंग कर लेते हैं कि 3.7 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने के बाद कितना बना रहा। आप देख सकते हैं करीब 1242 1250 आरपीएम ये निकाल रहा है 3.7 वोल्ट्स पर। तो 12 वोल्ट्स पर इसका आरपीएम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, करीब 3 गुना या 3.5 गुना। आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट पर मैथ के हिसाब से आरपीएम आ रहा है 4285। तो अब चलिए इस पूरे मोटर को खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितनी ज़्यादा मोटी वाइंडिंग का इस्तेमाल किया गया है, कैसे इसके लैमिनेटेड कोर्स हैं और कितने मोटे और मज़बूत मैग्नेट्स हैं और ब्रशेज हैं, 4 हैं या 2 हैं, मैग्नेट्स 4 हैं या 2 हैं, ये सब देखते हैं। आर्मेचर को मैग्नेट्स के बीच से निकालना हमेशा ही मुश्किल रहा है, क्योंकि मैग्नेट जो है वो आपके आर्मेचर के कोर को कायदे से लॉक कर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमेशा से शाफ्ट पर प्रेशर लगाना पड़ता है, चाहे वो आप ठोक कर लगाएं या फिर दूसरी तरफ किसी और चीज़ से बहुत ज़्यादा खींच कर लगाएं। उसके बिना निकलना उसका बहुत ही मुश्किल है, अगर वो मोटर काफ़ी बड़ी है, छोटी तो फिर भी निकल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आर्मेचर है इसकी वाइंडिंग कितनी थिक है और कितनी हाई क्वालिटी की है। बस हाँ, इसके ऊपर डस्ट जमा है जिसको आसानी से किसी भी ब्रश से या कपड़े से क्लीन किया जा सकता है, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसके जो लैमिनेटेड आयरन कोर्स हैं उनको भी क्लीन कर देते हैं जब इसको पूरा खोल ही लिया है। तो आप देख सकते हैं नीचे उसका जो कॉपर का पूरा रिंग है वो आपका कम्यूटेटर कहलाता है इंग्लिश में, तो जो कम्यूटेटर है वो बिल्कुल भी नहीं घिसा है। हालांकि ये आपका मोटर हमारा काफ़ी पुराना है, मैंने मार्केट में पुराना ही लिया है और उसके बाद भी बिल्कुल नहीं घिसा है, तो यानी काफ़ी टाइम तक अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ताकि ये स्मूथ चले इसकी वजह से इसकी थोड़ी क्लीनिंग और ऑयलिंग की ज़रूरत है, जो कि मैं अभी करे दे रहा हूँ। सामने बाएँ हाथ की तरफ ऊपर में आप देख सकते हैं इसका जो फील्ड है वो रखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको 2 मैग्नेट्स नज़र आएंगे। ये मैग्नेट्स कॉनकेव मैग्नेट्स की तरह नज़र आते हैं, क्योंकि इनका शेप जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं उनसे मिलता है, और ये कॉनकेव मैग्नेट जो है आसानी से एक जगह पर आर्मेचर के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड को फोकस कर पाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनके साथ आर्मेचर कोर्स के साथ लड़े। आप देख सकते हैं मेरा हाथ पूरा गंदा हो चुका है, मतलब कितना ही गंदा था आर्मेचर। तो अब चलिए दिखा देते हैं क्लोज़अप में आपको मैग्नेट्स ऑफ फील्ड। आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू आसानी से बीच में चिपक चुका है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही मज़बूत है, अच्छे खासे थिक मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया है इस मोटर को पावरफुल टॉर्क देने के लिए। स्मूथनेस के लिए मैं जो मशीन ऑयल होता है सिलाई मशीन में जो इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में कहीं भी। इतना करने के बाद शाफ्ट को वापस प्लेस कर देना है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। हालांकि जैसा ही आपका आर्मेचर मैग्नेट से कॉन्टैक्ट में आता है तो मैग्नेट्स जो हैं वो बहुत स्पीड में आपके आर्मेचर को अंदर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी उंगली दब सकती है। लेकिन अगर ये आप काम 3-4 बार कर चुके हैं, आप जानते हैं, तो ये आपके साथ नहीं होगा, वो तजुर्बे या एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आ ही जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने नीचे की साइड पे भी मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि बुशेस और फ्री हो जाएं, और मैं जो हूँ वो कम्यूटेटर पर भी ऑयल डाल देता हूँ। हालांकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि कम्यूटेटर पे मत डाला करिए, पर मुझे कभी ऐसी कोई समस्या देखने में नहीं आई कि क्यों ना डाला करें। उससे भी स्मूथ होता है, ब्रशेस आसानी से घिसते नहीं हैं और स्मूथ फ्लो होता है। आप देख सकते हैं ये जो ब्रशेस का पूरा सेटअप है, कितने नए ब्रशेस हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो आपका जो ये मोटर है ज़्यादा इस्तेमाल में आया ही नहीं है, ब्रशेस एकदम नहीं घिसे हैं। आपका जो कम्यूटेटर है वो भी एकदम नहीं घिसा है, नया जैसा है। इसका मतलब ये वाला मोटर ऐसे मैंने अगर पैक करके ठीक से बंद कर दिया तो इसको काफ़ी समय तक बिना किसी रिप्लेसमेंट के इस्तेमाल किया जा सकता है। अब चलिए इस पूरे केस को वापस के तौर पे बंद कर देते हैं, लेकिन उससे पहले बुशेज में आप ऑयलिंग करना मत भूलिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना आपका आपकी बुशेज है ना वो बेयरिंग से बहुत अलग होती हैं। बेयरिंग बहुत ही स्मूथ होता है, बुशेज में फ्रिक्शन आ जाता है। बेहतर मैं यही कहूँगा कि बुश पे मोटर ना हो के हमेशा बेयरिंग पर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। मेरे हिसाब से बुश एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है और एक सस्ती टेक्नोलॉजी है,
तो बेयरिंग पर ही होना चाहिए, उससे लॉसेस कम होते हैं, बिजली ज़्यादा बचती है। अब चलिए इसको जनरेटर की तरह टेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसके ब्लू और ब्लैक टर्मिनल पर मीटर को कनेक्ट कर दिया है डीसी मोड में। ये डीसी निकालेगा, आप देख सकते हैं करीब 6 वोल्ट, 6.5 वोल्ट डीसी निकाल रहा है। इस मीटर के तार जो है उल्टे लगे हैं मोटर में या जनरेटर में जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी वजह से नेगेटिव में डिस्प्ले दिखा रहा है। और इस जनरेटर को चलाने के लिए मैंने एक आरओ पंप के मोटर का इस्तेमाल किया है, जिसको मैं डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर की हेल्प से कंट्रोल कर रहा हूँ। और दोनों के शाफ्ट को मैंने बैक टू बैक ड्रिल चक के सेटअप से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे परफेक्ट अलाइनमेंट मिला है और कोई वाइब्रेशन नहीं है, बस थोड़ा सा है। अब चलिए वोल्टेज तो हमने देख लिया, चलिए देखते हैं कि ये करंट इतना बना पा रहा है कि ये बल्ब को जला पाए। ये 12 वोल्ट का कार का हेडलैम्प बल्ब है और आप देख सकते हैं इसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको जला दिया है। कनेक्ट करने पर हालांकि थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप आया था, करीब 1 वोल्ट का, और आरपीएम भी आपका गिरा होगा क्योंकि लोड पड़ता है तो मोटर को घूमने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज भी गिरने लगता है। अगर आप अपने मोटर का या जनरेटर का आरपीएम बनाए रखें उतने ही पर, चाहे कितना भी लोड कनेक्ट कनेक्ट किया जाए, तो आपका वोल्टेज नहीं गिरेगा, और अगर गिरेगा तो बहुत ही ज़रा से गिरेगा, जो कि कंसिडर नहीं किया जाने वाली चीज़ है। अब मैंने मीटर को करंट मेजरमेंट मोड पे कर दिया, अब डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट करंट टेस्टिंग करने जा रहा हूँ मैं। अब देख सकते हैं आर्किंग स्पार्किंग हो रही है टर्मिनल पे टच कराने पे, और ये इसने करीब करीब 10.5 एम्पियर करंट निकाल दिया है यहाँ पर आपके सामने ही। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये पीला वाला मीटर 10 एम्पियर के ऊपर करंट मेजर ही नहीं कर सकता, तो ये आपको मैक्सिमम करंट जितना दिखा सकता है उतना शो कर रहा है। और ये जो काला वाला मोटर है जिसको मैं जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ और कबाड़ से उठा के लाया हूँ, ये मोटर आपका करीब करीब 64 एम्पियर्स तक निकाल सकता है। अभी मैं वोल्टेज टेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसने करीब करीब 12.5 वोल्ट निकाल दिया था, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रभावित है आप के आरपीएम पर। लाइक आरओ के मोटर की जो स्पीड है, जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उतना ही ज़्यादा वोल्टेज वो वहाँ पर जनरेट करेगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने जो आपका ये मोटर है जिसको जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पे मैंने बहुत सारे लोड्स को कनेक्ट कर दिया है। 2 तो कार के हेडलैम्प बल्ब्स हैं, एक आपका करीब 52 वॉट का परमानेंट मैग्नेट गियर्ड डीसी मोटर है, और आपका तीसरा जो है वो एक बीएलडीसी 25 वॉट का फैन वाला मोटर है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी इस सेटअप को ऑन नहीं किया हुआ है, मैं अभी आपको कनेक्शंस दिखा रहा हूँ। तो हाँ, अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ सेटअप, और आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों बल्ब बहुत तेज़ी से जल चुके हैं और मोटर भी चल चुके हैं। और ये हमारा मोटर जिसको मैं जनरेटर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी बहुत कायदे से परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छा खासा वोल्टेज और करंट जनरेट हो पा रहा है इस पूरे से। हालांकि अभी मैंने जो लोड कनेक्ट किया है वो बहुत ही कम है उस पावर के हिसाब से जितना ये जनरेटर जनरेट कर पाएगा। 2 बल्ब हैं, एक हमारा 52 वॉट्स का मोटर जैसा कि मैंने बताया, और उसके साथ एक ब्रशलेस फैन मोटर है जो कि चल रहा है। तो दोस्तों इससे ये सीख मिलती है कि जितने भी मैग्नेट टाइप के परमानेंट मैग्नेट मोटर्स होते हैं, डीसी मोटर्स, उनको एक बहुत ही पावरफुल अच्छे खासे जनरेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बस उसमें मैग्नेटिज्म होना चाहिए, और बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लो आरपीएम का होना चाहिए, क्योंकि हाई आरपीएम में आपके ब्रश जो है ज़्यादा घिसते हैं। जैसे ये वाला जो जनरेटर है ये करीब आपका लेता है 12 वोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए 4,500 आरपीएम, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसी की जगह ये केवल 1,000 आरपीएम लेता तो ये कहीं ज़्यादा यूज़फुल होता, इस्तेमाल के लायक होता कहीं ज़्यादा। अभी भी है पर उतना नहीं जितना 1,000 आरपीएम के केस में होता। इस वीडियो में बात करेंगे एक बीएलडीसी मोटर के बारे में जो कि ई रिक्शे में यूज़ होता है, और उससे मैं आपको कैसे बिजली आप जनरेट कर सकते हैं और आप कितनी जनरेट कर सकते हैं, कितना करंट जनरेट कर सकते हैं, और जितनी बिजली जनरेट होती है उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो इस बीएलडीसी मोटर के 3 तार होते हैं जिसकी वजह से ये 3 फेज पे चलता है।
अभी यहाँ पर मैंने इसमें 12 वोल्ट का कार का हेडलैम्प बल्ब कनेक्ट किया हुआ है जो कि 6 एम्पियर करंट पर चलता है, वो भी सिर्फ दो तारों से। बीएलडीसी के जो तीन तार हैं उनमें से सिर्फ दो तारों से। अब मैं इसकी शाफ्ट को रस्सी में फंसा कर घुमाऊँगा और आप देख सकते हैं कि बल्ब इसका जल रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। हालांकि यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो शायद आपको लगे कि यह धीमा जल रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ रोशनी की वजह से है। अब बात करते हैं वोल्टेज मेजर करने की कि रस्सी से इसके शाफ्ट को घुमाने पर ये मीटर से कितना रिफ्लेक्ट करके शो करेगा कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। क्योंकि ये एसी जनरेट करता है इसलिए मैंने मीटर को 200 वोल्ट एसी पर मार्क कर रखा है और हमारा जो मीटर है वो सिर्फ सिंगल फेज एसी ही मेजर कर सकता है। तो इसके तारों को मैंने केवल दो ही तारों से कनेक्ट किया हुआ है बीएलडीसी मोटर के। अब आप देख सकते हैं कि करीब करीब इसने 24 वोल्ट एसी जनरेट कर दिया है सिर्फ दो ही तारों से। तो ये जो आपकी है ये सिर्फ एक तिहाई यानी मतलब 1/3 पावर है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये मोटर जनरेट कर पा रहा है जब जनरेटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे पावर का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक 3-phase ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें UPS के ट्रांसफार्मर से बनाना होगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने 3 UPS के ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया है। UPS के ट्रांसफार्मर की रेटिंग जनरली आती है 12 वोल्ट से 220 तक के। लाइक जिस तरफ जो है बैटरी लगती है उस तरफ वोल्टेज कम पड़ता है, 12 ही वोल्ट लगता है, वो वाली साइड पर करंट ज़्यादा जाता है लेकिन वोल्टेज कम जाता है। और वहीं पर जो 220 वोल्ट की एसी साइड होती है वहाँ पर आपका करंट कम जाता है और वोल्टेज ज़्यादा जाता है। तो जो हाई करंट वाली साइड है, जो ज़्यादा करंट वाली साइड है, वहाँ पर जो है बीएलडीसी के जो 3-phase तीन तार हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा और जो तीन ट्रांसफार्मर के जो लो वोल्टेज साइड के वायर्स हैं उन सबको आपस में 3-phase डेल्टा फॉर्मेट में कनेक्ट किया जाएगा, वैसे ही जैसे कि मैं इस वीडियो में अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद आप जो लो वोल्टेज साइड सारी की सारी हैं ट्रांसफार्मर की, उनसे कुल मिला के टोटल में तीन ही तार निकलेंगे जो कि आसानी से बीएलडीसी मोटर के तीन तारों से जोड़ दिए जा सकते हैं किसी भी तरीके से जैसे आप चाहें। और उसके बाद आ जाता है आपका हाई वोल्टेज जो 220 वोल्ट की साइड है आपके ट्रांसफार्मर्स की। तीनों ही ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज आउटपुट साइड 220 वोल्ट वाली को आप सब सीरीज में उठा के कनेक्ट कर देंगे ताकि कम घुमाने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमारा आउटपुट पर बने जो कि इस वीडियो में शो करने का हमारा मकसद है। और दोस्तों ये वीडियोस मैं मिस्टर इलेक्ट्रॉन चैनल पर इंग्लिश में बनाता था, अभी भी बना रहा हूँ, पर मैंने ये सोचा कि जो मेरे हिंदी सुनने वाले भाई लोग हैं जैसे आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग भी इस वीडियो को और बेहतर समझ पाएं, क्योंकि बहुतों ने मुझसे कहा कि प्लीज़ आप वीडियोस को हिंदी में भी बनाइए। तो मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ इस चीज़ की और मैं उतना ही मोटिवेटेड रहूँगा जितना कि आप इसमें हमें अपना समर्थन दिखा पाएंगे और सपोर्ट कर पाएंगे इस चैनल को ऊपर उठाने में। तो आप लोग जितने भी लोगों हिंदी में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी कमाल की मोटर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं या और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वो सब मैं इस पर डालूं सारी की सारी हिंदी में, और फ्यूचर में भी नए कंटेंट की भी मैं हिंदी में वीडियोस डालूं ताकि आप लोग बहुत बेहतर समझ पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीमीटर को जो हाई वोल्टेज साइड बनी है ट्रांसफार्मर की उस पर कनेक्ट कर रखा है एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए, और सिर्फ हाथ से आर्म को क्रैंक करने पर, मतलब हाथ से ही मोटर को घुमाने पर उसने करीब करीब 150 वोल्ट एसी निकाल दिया था। तो जाहिर है कि अब मैं रस्सी चढ़ाकर खींचूंगा तो आरपीएम कहीं ज़्यादा मिलेगा। ये भी हो सकता है कि 1000 के ऊपर चला जाए और ये मोटर ख़राब हो जाए या मीटर ख़राब हो जाए, देखते हैं क्या होता है। ओ आप देख सकते हैं कि जो मीटर है वहाँ पर स्पार्क हुई है और मीटर ने डिस्प्ले किया है करीब करीब 1400 वोल्ट एसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप कम से कम प्रोड्यूस किए गए या जनरेट करे हुए पैदा करे गए वोल्टेज को आप ऊपर ऊंचा बढ़ा सकते हैं, चाहे वो फिर थ्री फेज हो या सिंगल फेज हो। अब जो है मैंने इस 100 वाट के 220 वोल्ट के बल्ब को कनेक्ट कर रखा है ट्रांसफार्मर से, ताकि देखते हैं कि कितनी बिजली बन पा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ हाथ से क्रैंक करने पर ही बल्ब को इस जनरेटर ने जला दिया है। पर हाँ, थोड़ा मुश्किल था उसके शाफ्ट को घुमाना हाथों से। अब चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि क्या इसे रस्सी से भी घुमाया जा सकता है। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है हमारी CFL की। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके सर्किट को निकाल कर फेंक दिया है, और क्योंकि ये सेटअप हमारा काफ़ी ज़्यादा हद तक वोल्टेज बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये बिना किसी सर्किट के ही इसको ट्यूब को डायरेक्टली जला दें। तो बल्ब को हटाकर हम इस ट्यूब को कनेक्ट कर देंगे ताकि इस चीज़ का टेस्ट कर पाएँ। देख सकते हैं कि जो हाई वोल्टेज साइड है ट्रांसफार्मर की, जहां पर अभी मीटर ख़राब हुआ था कनेक्ट करने पर और 1400 वोल्ट निकाला था, वहां पर मैंने CFL को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। तो अब चढ़ाते हैं रस्सी और खींच देते हैं और फिर देखते हैं कमाल। रस्सी को खींचने पर आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है, फिर बुझ रहा है और फिर जल रहा है। वो इसलिए कि जैसे ही वो जलता है तो फौरन शाफ्ट पर लोड पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो टाइट हो जाता है और RPM गिरता है, और फिर RPM के गिरते ही वोल्टेज जो हमारा जनरेट हो रहा है वो भी गिर जाता है, तो हमारा बल्ब बुझ जाता है। जैसा ही बल्ब बुझता है तो शाफ्ट पर फिर से लोड कम पड़ने लगता है, तो अपने आप ही RPM भी बढ़ जाता है और फिर से बल्ब जलता है, और ये प्रोसेस रिपीट हो रहता रहता है और बल्ब जलता बुझता रहता है। अगर किसी भी तरीके से इसके मूवमेंट को, शाफ्ट के रोटेशन को उतनी ही RPM पे मेंटेन कर दिया जाए, तो ये हमारा बल्ब उतनी ही रफ्तार से जलता ही रहेगा।